हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और आप सबके लिए मैं फिर से एक सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। और मेरे साथ है विश्वाली पाटिल। एंड विश्वाली बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, एंड आई थिंक पुणे। यस सर, पुणे। या राइट, पुणे से बेसिकली। एंड अभी रिसेंटली सीएमए क्वालिफाई भी किया है और इनका सिलेक्शन एसेंचर में हुआ है एज ए सीएफएम एनलिस्ट। एंड ऑफ कैंपस में सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट थे कि सर हमारे पास ऑफ कैंपस की स्टोरीज आप डालो कि हमें उससे और मोटिवेशन मिले कि हम ऑफ कैंपस में कैसे जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। तो आप सबके लिए आज मेरे पास स्टोरी है। कैसे हो आप विश्वाली? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, एंड थैंक्स कि आपने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और मेरे प्लेटफॉर्म पे आप अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो। एक्चुअली सर, मैंने तो बोलना चाहिए कि जितना आपने मुझे दिया है, गाइड किया है, मतलब जो मैंने आपका कोर्स लिया है ना, वो सबसे सक्सेसफुल डिसीजन रहा है मेरे पोस्ट क्वालिफिकेशन का। बिकॉज ऑफ कैंपस जॉब मिलना थोड़ा टास्क होता है, बट आपने जिस तरीके से गाइड किया है, जिस तरीके से आपने टाइम टू टाइम सब कुछ चीज़ें, मुझे कुछ अगर डिफिकल्ट लगा हो या कुछ मुझे टेंशन आती हो तो मैं आपको कॉल करती हूँ। टाइम टू टाइम आपने बहुत बढ़िया गाइड किया है, तो उसके लिए थैंक यू सर। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो हम स्टार्ट करते हैं आपकी सीएमए जर्नी की। तो आपने सीएमए कब, कौन सी ईयर में आपने स्टार्ट किया था? मैंने फाउंडेशन 2018 में दिया था, दिसंबर 2018 में। ओके, दिसंबर 2018 में आपने फाउंडेशन दिया था। तो मतलब आफ्टर 12th ही आपने स्टार्ट कर दिया या फिर बीकॉम के बाद आपने स्टार्ट किया था? नहीं, मैं तभी सेकंड ईयर में थी। ओके, तो सेकंड ईयर में मैंने शुरू कर दिया था। अच्छा, तो आपको ऑलरेडी पहले से पता था सीएमए कोर्स के बारे में या फिर सेकंड ईयर में आने के बाद पता चला कि सीएमए कोर्स है कुछ? इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहले तो मुझे नहीं पता था सीएमए कोर्स के बारे में। तो मैं जिस कॉलेज में थी, बीएन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसको बीएमसीसी बोलते हैं, तो उस कॉलेज में हमारे आईसीएमएआई चैप्टर, पुणे चैप्टर से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। तो उन्होंने कोर्स के बारे में बताया उस सेशन में, तो तभी मुझे ऐसा थोड़ा वो इंटरेस्टिंग लगा था, जो चीज़ें उन्होंने बोली बताई, कैसे कोर्स है, क्या है। बहुत डिटेल में उन्होंने नहीं बताया था, बस उन्होंने एक थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर बताया था तभी। और फिर मैंने वो पैम्पलेट्स वगैरह रखे हुए थे, और फिर उसके बाद मैंने एनरोल किया, रजिस्ट्रेशन करवाया, ऑनलाइन करवाया, और फिर दिसंबर 2018 में मैंने फाउंडेशन दिया और मैं क्लियर हो चुकी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन। ओके, अच्छा, देन फिर इंटरमीडिएट में क्या वहाँ भी फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर अटेम्प्ट्स लगे थे इंटरमीडिएट में? मुझे ग्रुप वन के लिए अटेम्प्ट लगा था, तो 2018 दिसंबर में मैंने फाउंडेशन दिया, वन ईयर का कूलिंग पीरियड था, और दिसंबर 2019 में मैंने ग्रुप वन दिया। तो ग्रुप वन जब दिया तो तभी लॉ में मैं फेल हो चुकी थी और ओवरऑल कुछ 11 मार्क्स से मेरा रह गया था। अच्छा। बट मुझे डायरेक्ट टैक्सेशन में एग्जम्पशन था, तो मुझे बस 3 पेपर देने थे। तो मैंने डिसाइड करा हुआ था कि मैं ग्रुप 2 और ग्रुप 1 के 3 पेपर, जैसे पूरे 7 पेपर्स में दूंगी जून 2020 में। बट ड्यू टू कोविड ऐसा हुआ कि जून एग्जाम हुआ नहीं, तो दिसंबर एग्जाम हुआ। तो अच्छा खासा वक्त मिल गया था और बीच में मुझे 7 पेपर्स का प्रिपरेशन करने के लिए, तो तब भी मेरा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों मतलब क्लियर हो चुका था, इंटरमीडिएट क्लियर हो गया उस अटेम्प्ट में। ग्रेट। सो अच्छा, आफ्टर इंटरमीडिएट आपके सामने अब इंटर्नशिप का था, तो आपने क्या डिसाइड किया, फॉर्म में जाना है, कंपनी में जाना है? एक्चुअली इंटर्नशिप, इंटरमीडिएट जब कंप्लीट हुआ तो तभी कोविड का फेज था, तो जो जिनसे मैंने क्लासेस ली हुई थी लाइव क्लासेस अकाउंट्स और अकाउंट्स के लिए, तो सर ने बोला था कि आप एक काम करो कि कोविड है, शायद इसी इसमें आप ग्रुप 3 फाइनल का भी प्रिपरेशन कर शुरू कर दो। और तभी कोविड के वजह से वो एग्जाम्पशन भी था इंटर्नशिप। ओके, तो उन्होंने कहा था कि आप ग्रुप 3 शुरू कर दो, तो इसके लिए फिर ग्रुप 3 के क्लासेस मैंने लिए, और ग्रुप 3 आप बोलो। तो ग्रुप 3 के क्लासेस मैंने शुरू कर दिए, और फिर ग्रुप 3 में अटेम्प्ट लगे,
दो तीन तीसरे अटेम्प्ट में मैं क्लियर हुई थी ग्रुप थ्री, तो दो अटेम्प्ट, हाँ तो दो अटेम्प्ट देने के बाद फिर मैंने इंटर्नशिप शुरू करा था। तो इंटर्नशिप मैंने वो कंपनी में किया था। ओके अच्छा, जैसे मल्टीपल अटेम्प्ट आपके ग्रुप थ्री में लगे, तो लाइक क्या रीजंस, क्या मिस्टेक्स हो रहे थे आपसे बार बार जिसकी वजह से आपके अटेम्प्ट लग रहे थे? वो एक तो था कि दो अटेम्प्ट मतलब पूरा एक साल ऑफ, तो फेलियर मैं उसको बोलती हूँ कि वो पूरा एक साल था फेलियर का। तो उस वक्त ऐसे था कि कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो उसकी वजह से मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी या फोकस नहीं कर पा रही थी। एक तो मेंटली वो था और फिजिकली भी मैं बीमार पड़ रही थी, कुछ ना कुछ हो रहा था, तो उसकी वजह से पढ़ाई बैठा नहीं जा रहा था, पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो पूरा वो एक साल बीत गया बीच में। तो वो सब मैंने बैठ के मैंने ऐसे ठान ली थी कि अब ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चल सकता आगे, मतलब कुछ कर ही नहीं पाऊंगी मैं अगर यही चीज़ें चलती रहेगी। तो थोड़ा हैबिट्स जो हेल्दी या खाने की जो है फूड हैबिट्स जो चेंज करे, ध्यान से एकदम हेल्दी फूड खाना शुरू कर दिया। इवन मेंटली थोड़ा इमोशनली थोड़ी चीज़ें ध्यान से करने लगी मैं कि ऐसे कोई डिसीजन ना लूँ जिसके वजह से मेरा फिर से फोकस ऐसे डिफोकस हो जाओ, तो उसके वजह से वो अटेम्प्ट्स लगे थे। ओके सो लाइक आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहोगे कि लाइक अपने एकेडमी के टाइम में क्या क्या चीज़ों को उन्हें ध्यान देना चाहिए जिससे उनके अटेम्प्ट्स ना लगे? एक तो पहली बात है कि अगर आप सीएमए कर रहे हो ना, तो फोकस फुली पढ़ाई करो, क्योंकि जितना भी टाइम आपके पास अपने आपके हाथ में है, तो उस टाइम को पूरा यूटिलाइज करो और फोकसफुली करो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन, सारी चीज़ें बाद में हो सकती हैं। जो मैंने बाद में महसूस करा, जिस थर्ड अटेम्प्ट मैंने क्लियर करा, तो वो भी मैंने 1-1 के प्रिपरेशन में किया। तो उस 1-1 में मैं 12-15 आवर्स में बैठती थी लाइब्रेरी में, और उस वक्त जो भी मेरे बीच में आता था कि कुछ कि कोई प्रोग्राम है, फैमिली फंक्शन है, तो वो मैं पूरा मैंने बोल दिया था घर में कि मैं नहीं आऊँगी, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू क्लियर दिस। तो एक तो प्रायोरिटीज़ बहुत सेट दिमाग में मैंने क्लियर रखी थी कि मुझे ये करना है। दूसरे मतलब खाना खाने के ऊपर बहुत ध्यान दिया था कि इंडियन फूड खाओ, हेल्दी खाओ, वक्त पे खाओ, बहुत ओवर ईटिंग या कुछ भी ऐसे नहीं करना है। और तीसरा मतलब कि व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़, तो स्टडीज़ के ऊपर तो हमारे स्कैनर्स है, MTPs है, और स्टडी मैट का जो सिलेबस स्ट्रक्चर होता है वो ही मैंने फॉलो करा था। अच्छा देन फिर आप ग्रुप फोर आपका वन शॉट में क्लियर हुआ था अभी, राइट? हाँ यस, वन शॉट में क्लियर। ओके सो लाइक आपके इंटर ग्रुप वन में टाइम लगा और फिर फाइनल ग्रुप थर्ड में टाइम लगा? यस। ओके अच्छा लाइक रिजल्ट वाले दिन जो 26 ऑफ सितंबर को आपके रिजल्ट आए थे इन द मॉर्निंग, तो लाइक वो एक्सप्रेशन कैसा था आपके लिए और आपको कैसे पता चला कि आपका रिजल्ट के बारे में? तो सबसे पहले ट्विटर ट्वीट था कि 25 को रिजल्ट लगेगा। तो उस दिन मेरा तो मेरे मैंने दोस्त को फ़ोन किया कि उसको मैंने बोला कि तू प्लीज़ आ जा, मुझे बैठा नहीं जा रहा घर पे, हम मूवी देखने चले जाएंगे। हम मैं गई थी उस वक्त, कुछ जवान मूवी था, तो मैंने जवान मूवी देख के आई, मुझे स्टोरी कुछ याद नहीं, बस मेरा ध्यान वही था कि रिजल्ट क्या आएगा। तो उसके बाद मूवी ख़त्म होने के बाद फिर से ट्वीट आया कि आज रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर होंगे, कल होंगे। और उस वक्त ना गणेश मतलब वो गणपति था, गणपति के वो शुरू थे 26 को। पूरा एक तो पूरी रात एक तो ढंग से नींद नहीं आई थी, और वो घर में मेरे मम्मी पापा को महसूस हो रहा था कि मुझे टेंशन है या कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। तो पापा रात के 11 बजे हम घर के बाहर निकले गणपति का जो डेकोरेशन है वो देखने के लिए, घर के आजू बाजू जितने भी रहते हैं, पुणे में तो बहुत रहता है, तो 11 बजे निकले थे। तो घर पे आने के बाद जब जैसे मैं सोई, वैसे उस दिन तो नींद नहीं लगी थी, फिर सुबह बस थोड़ी नींद खुली 6 बजे, मैंने सोचा कि देख लेते कुछ व्हाट्सएप पे लिंक आया है क्या, और तभी एक लिंक या मैसेज था कि रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड और लिंक है।
तो वही वैसे ही मैंने वो लिंक पे क्लिक किया और मैंने वो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और शो रिजल्ट्स में ये पूरा मैं आधी नींद में थी कुछ, और फिर वे बस में मेरे दिमाग में यही था कि भाई बस कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे देखना है। और जैसे मैंने स्क्रॉल करा तो उधर था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव क्लियर्ड CMA फाइनल बोल के, तो मैं एकदम उठ गई, मेरी नींद एकदम चली गई थी। और फिर मैं दौड़ी दौड़ी गई मम्मी पापा के पास, उनको मैंने बताया कि हो चुका है करके, तो वो बहुत वो जो 5-6 पैकेज जो थे ना वो एकदम ऐसे थे कि ये सब खुश थे घर में तीनों। हाँ अच्छा, ऐसा भी हो रहा था कि आपने 2-3 बार रिजल्ट बार बार लॉग इन करके भी देखा ये मेरा रिजल्ट तो नहीं है? नहीं एक्चुअली ये नहीं हुआ क्योंकि मैंने नाम ही देखा था कि ये मेरा ही रिजल्ट है और यही मैंने एक्सपेक्टेड, ऐसे ही बोलूंगी 100% एक्सपेक्टेड था, बट जितनी मेहनत मैंने ली थी ना वो एग्जाम के बाद या फिर एग्जाम मतलब शुरू होने के पहले दिन में मैंने भगवान को ये बोला था कि जितना हो सकता था वैसे मैंने पूरा कर लिया, मतलब पूरा मेहनत मैंने डाल दी है क्योंकि मैंने 2 या 2.5 मंथ्स के प्रिपरेशन में वो ग्रुप 4 क्लियर करा था क्योंकि इंटर्नशिप था, इंटर्नशिप खत्म तभी हुई 2 मंथ्स पहले और ड्यू टू इलेक्शंस वो 15 दिन मुझे एक्स्ट्रा मिल चुके थे, तो टू एंड हाफ ड्यूरेशन वो मैंने जितना हो सकता था मैंने वो पूरा कर दिया था। तो एक ही था कि इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता था, जो हो सकता था मैंने कर लिया है, तो भगवान आपके हाथ पे जो होगा आई विल एक्सेप्ट दैट रिजल्ट। और इसी साल में मुझे CMA बनना है, मैंने घर में बोल दिया था इसी साल मुझे CMA बनना है, जो अटैम्प्ट रहेगा नहीं तो दिसंबर अटैम्प्ट रहेगा, CMA इसी साल बनूंगी। ओके अच्छा, मेरे साथ पता है क्या होता था, जब रिजल्ट आता था मैं 2-3 बार अपना रिजल्ट देखता था कि मेरा ही तो नहीं है क्योंकि कभी होता था मेरे को कि ट्रस्ट नहीं होता था रिजल्ट के ऊपर। तो अच्छा, आफ्टर दैट जब आपके रिजल्ट आए और फिर आपने मुझे ज्वाइन किया, तो आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? एक तो ऐसा था कि मेरे फैमिली में कोई है नहीं CMA, तो गाइडेंस ऐसे थ्रू आउट मुझे कभी मिला नहीं है। कोइंसिडेंटली मैं आई भी इस कोर्स में थी, मुझे बाद में ऐसे पता चला था कि क्या है ये प्रोफेशनल कोर्स है एंड ऑल। तो जैसे रिजल्ट बाद में लगा तो मैंने लिंक्डइन पे आपका आपकी पोस्ट देखी थी, तो वो देखने के बाद मैंने कुछ उस दिन शाम के 7 बजे मैंने वो बस कॉल कर दिया था आपको कि मैंने सोचा कि देखते तो उस 5 या 10 मिनट का ही कॉल रहा होगा जैसे हमारी बात हुई थी, और उस वक्त ही मैंने उधर डिसाइड कर लिया था कि मैं एनरोल कर रही हूँ। बिकॉज वो आपने कहा था कि मैं भी कुछ 2017 या 2018 में आपका CMA कंप्लीट हुआ है, राइट 18 में हुआ है मुझे ऐसा था कि 18 में ही मैंने एनरोल किया है, तो ऐसा यंग मुझे ऐसा लगा कि बहुत यंग है और ये सर सही मुझे गाइड कर पाएंगे बिकॉज ही नोज व्हाट इज गोइंग अराउंड इन द मार्केट। और मतलब और कुछ मैंने ऐसे रिसर्च वगैरह नहीं किया, बस उतने ही 10 मिनट के कॉन्वर्जेशन के ऊपर, और आपने बताया था कि आपने क्या क्या करा है कुछ बाद में 2018 to 2023 में, उतने बस कॉन्वर्जेशन के ऊपर मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया कि मैं कर रही हूँ एनरोल, मैं कर रही हूँ, तभी मैंने उस दिन कर दिया था शाम में एनरोल आपके कोर्स के। अच्छा, उस टाइम जो मैंने चीज़ें आपको बताई और जो आपको मैंने डिलीवर किया उसमें कुछ कमी किसी पॉइंट पे? कभी नहीं सर, कभी नहीं लगी, कुछ कमी नहीं लगी, और इवन कोर्स में भी आपने जितनी फीस ली है उससे बहुत बहुत इन्फिनिटी भी अगर मैं बोल रही हूँ उतना आपने डिलीवर की है चीज़ें, एंड इवन यू हैव बीन अ गाइड, यू हैव गाइडेड थिंग्स रियली वेल थ्रू आउट। थैंक्स। सो अच्छा, आपने मेरे पहले यूट्यूब की वीडियो ये सब नहीं देखे थे राइट? बस आपने लिंक्डइन पे पोस्ट देके आपने मुझे कॉल किया था। यस सर, पहले मैंने नहीं देखी थी। अच्छा, बाद में आपको पता चला कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है और ऑलरेडी बहुत फास्ट कनेक्टेड है। यस सर, वो बाद में पता चला, और इवन जो फर्स्ट सेशन कुछ दिनों में हुआ था या जो सेशन हुआ उसमें आपने आपकी जर्नी भी आपने लाइक शॉर्ट ऑन बोल दी थी। हाँ, तो तभी मुझे और पता चला कि अच्छा ऐसे भी है, फिर मैंने वो वीडियो देखी आप बाद में YouTube। ओके, तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो तो काफी बढ़िया है, पर
मैं तो बोलूँ, मैं आशा तभी एक दो फ्रेंड्स को शेयर भी की थी कि ये सर है कि मैं मतलब ये कोर्स में मैंने एनरोल किया हुआ है करके। ओके थैंक्स। अच्छा आफ्टर डेट फिर लाइक कैंपस का टाइम है, हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे एंड आई थिंक कैंपस में आपकी एक या दो कंपनी में ही शॉर्टलिस्टिंग थी राइट? हाँ सर, यस सर, दो कंपनीज में ही शॉर्टलिस्टिंग थे और वो थर्ड डे की कंपनीज थे। और वैसे मैंने कैंपस में चार कंपनीज में इंटरव्यू दिया, दो बाकी वॉक इन थे, पर किसी में हुआ नहीं। और थोड़ा मैंने थोड़े निराश या वो टेंशन आ गया था, तो मैंने आपको कॉल कर दिया था कि सर ऐसे हो रहा है, तो आपने बस बताया था कि देखो सबका बहुत, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे कैंपस में, तो ऐसे था कि उधर कंपनीज कम है स्टूडेंट्स ज़्यादा, तो वो देख के और टेंशन आता था। आपने कहा देखो ऑफ कैंपस भी अच्छे मिलते हैं, मैं जैसा बोल रहा हूँ बस वैसा करो। अभी आप मतलब जो अपने सेशंस में बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें मैंने जो आपने बोला वैसे वैसे मैंने करती गई एंड हियर आई एम टुडे। या सो लाइक मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ लाइक कि विश्वाली का सिलेक्शन सिर्फ एसेंचर में नहीं हुआ था, ऑलरेडी ब्रिज स्टोन में भी इनका सिलेक्शन हुआ था और वहाँ पे भी जो कैंपस का जो एवरेज पैकेज होता है उससे कम ऑफर नहीं था और एसेंचर का ऑफर थोड़ा सा ज़्यादा था डेफिनेटली जो हमारा एक्सपेक्टेशन था। तो लाइक ऐसा नहीं कि अगर कैंपस नहीं हुआ तो लाइफ आपकी एंड हो जाएगी, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस आल्सो बट यू नीड ए राइट मेंटर लाइक मी। एग्जैक्टली सर, वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज उस वक्त ना समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, तो आप वो सच में राइट मेंटोर आप वो थे मेरे लिए। और जो है ना, और एक चीज़ कि पेशेंस, तो पेशेंस भी कितना रखना चाहिए वो आपने सिखाया कि पेशेंस रखो, हो जाएगा, अच्छी कंपनी में हो जाएगा। सो लाइक अच्छा जब आपका एसेंचर में सिलेक्शन हुआ और वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? सर मैं तो बहुत खुश थी, घर में सब खुश थे, और थोड़ा टेंशन भी था क्योंकि वो एक कंपनी का ऑलरेडी वो जो ऑफर था एक्सेप्ट करके रखा था, बस उनको एक्सटेंडेड टाइम दिया बोला था, उसकी वजह से वो थोड़ा था कि अब क्या कैसे करें। बट देन आपसे बात करने के बाद आपने पूरा अच्छे से गाइड करा था कि आप ऐसे करो करके, और बहुत खुश, मतलब मैं तो बहुत खुश थी कि ऐसे लग रहा था एट दैट मोमेंट कि सब सफल लग रहा था, कि जो भी CMA का जो चीज़ें हैं, चार साढ़े चार साल की जो जर्नी थी, जो अप्स एंड डाउन्स थे, जो स्ट्रगल था, वो सारी चीज़ें एक मिनट में ऐसे लग रहा था कि भाई ये तो सब सक्सेसफुल हो गया है आज। अच्छा और भी आपके साथ लाइक आकृति का हुआ, जनजय का हुआ, तो आप सब आई थिंक मिल चुके हो, अब गौरव भी है वहाँ पे, गौरव शुक्ला, गौरव से मिले? अच्छे उन चारों तीनों से एक्चुअली मेरी मुलाकात नहीं हुई है क्योंकि पुणे में ही और मतलब तीन जगह पे एक्सेंचर्स है, तीन जगह पे है, तो उनका जो लोकेशन है वो अलग जगह पे है, तो इसीलिए अभी तक तो हमारा मेहमान हुआ है। ओके ओके, तो लाइक अच्छा है आप जहाँ से हो ऑलरेडी आप पुणे से हो और आपको होम टाउन में ही एक तरीके से एक बेटर कंपनी में अच्छी प्लेसमेंट मिल गई, तो आई थिंक ये इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। और पैकेज भी जो मिलना चाहिए था वही पैकेज आपको मिला है, लाइक ऑफ कैंपस है तो वी कांट डिस्क्लोज द पैकेज, सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। और कुछ टिप्स एंड सजेशंस फॉर अपकमिंग CMAs? यही बोलना चाहूंगी कि फोकस्ड रहो, जो गलतियां जो सफरिंग्स या जिसकी वजह से मुझे अटेम्प्ट्स लगे वही चीजें, मतलब वही है कि फोकस्ड रहो, कॉन्फिडेंट रहो, और अपने चेहरे पे ना हमेशा वो चमक रखो, मुस्कान रखो। अप्स एंड डाउन्स तो ज़रूर होने वाले हैं इस जर्नी में, बट यू विल गेट थ्रू इट। कि कॉन्फिडेंट, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, और दूसरी बात है कि प्रॉपर मेंटोर, बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, बस यू हैव टू रीच आउट टू देम। तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर पर्सन से बात करके यू कैन जस्ट गेट हेल्प फ्रॉम देम, कि स्टडीज में हो या जैसे आपने मुझे प्लेसमेंट में या जॉब में जैसे हेल्प करनी हो, वैसे कोई भी इशू हो तो देर आर पीपल, ये मैं बोलना चाहूँगी। थैंक्स, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, लाइफ में और सक्सेस अचीवमेंट लो एंड वी विल लाइक आपके हम और भी वीडियोज स्टोरीज रिकॉर्ड करते रहे फ्यूचर में, मेरा तो यही होप है सारे बच्चे सक्सेस करें। यस सर, डेफिनेटली।